अयोध्या की तपस्या छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य अचानक आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने ईद के दिन ताजमहल पर शिव मंदिर की आधारशिला रखने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने परमहंस आचार्य को हिरासत में ले लिया। इस दौरान परमहंस आचार्य के समर्थकों और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि इससे पूर्व तपस्या छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य आगरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने आगरा प्रशासन पर भगवा वस्त्र धारण कर ताजमहल में प्रवेश न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से इस मामले ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जगत गुरु परमहंसाचार्य ने वीडियो जारी कर 5 अप्रैल को ताजमहल पर धर्म संसद करने का ऐलान किया था। ईद के दिन अचानक धर्म गुरु आगरा पहुंचे और उन्होंने ताजमहल को तेजो महालय बता शिव मंदिर की आधारशिला रखने की बात कही, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भारी संख्या में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने जगत गुरु परमहंसाचार्य को हिरासत में ले लिया। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने आरोप लगाया कि ईद वाले दिन टोपी लगाकर लोग ताजमहल पर नमाज अदा कर सकते हैं, तो वह भगवा वस्त्र धारण कर शिव मंदिर की आधारशिला क्यों नहीं रख सकते। देखिए, हमारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम 5 को है कि वहाँ तेजो महालय के अंदर में भगवान शिव के प्राण प्रतिष्ठा करना और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए सनातन धर्म संसद का आयोजन करना, वो तो है, 5 को तो करेंगे ही, क्योंकि आज अक्षय तृतीया भगवान परशुराम की जयंती है और हनुमान जी का दिन मंगलवार भी है, तो आज जो है आज बहुत शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त में आज हम आए हैं भूमि पूजन करने के लिए, क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो उसके पहले भी कुछ जो भूमि पूजन होता है, शुद्धिकरण होता है, तो आज तेजो महालय में हम लोग, चूंकि जब विदेशी मुगल आक्रांताओं के द्वारा जब हमारे संस्कृति का अतिक्रमण किया गया था धर्म स्थलों पर, तो अब वहां इतने दिन तक जो है अधर्मियों का वो रहा, तो वहां से आज जा करके और वहां उस मंत्रों के द्वारा जो है वहां शुद्धिकरण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद वहां से चले आएंगे। 5 तारीख को जैसा हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है वैसे रहेगा। तेजो महालय कैसे ताजमहल नहीं है, आप बार बार कहते तेजो महालय कैसे? देखिए, ऐसा है कि जब मुगल आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहले देखा कि जो वैदिक कालीन, रामायण कालीन, महाभारत कालीन जो हमारे पौराणिक स्थल है, तो सबसे पहले वहां उन लोगों ने अतिक्रमण किया, चाहे वो राम जन्मभूमि अयोध्या रही हो, चाहे काशी विश्वनाथ रहा हो, चाहे यहाँ कृष्ण जन्मभूमि मथुरा रहा हो इत्यादि, उसी में तेजो महालय आगरा भी है। चूंकि यहाँ तेजो महालय आगरा ये शिवलिंग जो है ये बहुत दिव्य और उथा सिद्ध स्थान, वहां जो जल टपकता था उसको, इसका ये विलक्षण था कि लोगों को ये नहीं पता लगा पाते थे कि जल कहाँ से आ रहा है, जिसकी विलक्षणता को देखते हुए इसका एक गलत, एक मनगढ़ंत इतिहास बनाया गया कि नहीं, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज बेगम का मकबरा बनवाया, बनाने वाले का जो है हाथ कटवा लिया, यह सिर्फ छल किया गया है। सच्चाई ये है कि यह अति प्राचीन भगवान शिव का सिद्ध मंदिर तेजो महालय है और आज वहां जाकर के शुद्धिकरण करेंगे, 5 तारीख को भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। एक पहल है आपकी हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, कहां तक जाएगी, क्या पहल है? देखिए, ऐसा है कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का वजूद मिट जाएगा। देश का 13 बार जो है पार्टीशन हो चुका है। पहले जो है अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के हिस्सा थे, लेकिन अब देश इस स्थिति में नहीं है कि बंटवारा झेल सके, और इसके लिए यही उपाय है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और वैसे भी पार्टीशन की डिमांड जो है समुदाय विशेष के लोगों ने किया था, हिंदुओं ने नहीं किया था। 16 अगस्त 1946 को जब हिंदुओं ने कहा कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो करोड़ों हिंदुओं का गला इन्हीं मुसलमानों ने काटा था, और जो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, अभी भारत के पूरे मुसलमानों को दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जितने भी यहाँ ईसाई मुस्लिम हैं उनकी नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए, और मेरे साथ ही, मेरी आवाज नहीं, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज है। आज लोग अपने अधिकार के लिए इसलिए खड़ा हो गए हैं, कभी गोधरा में हिंदू जलाया जा रहा है, कभी 1990 में हिंदू के साथ में अन्याय हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा जगत गुरु को कस्टडी में लेकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। ईद के मौके पर जगत गुरु परमहंसाचार्य के बयानों ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया। आनन फानन में प्रशासन के अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम को संभाला, जिसके बाद से लगातार प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए था। फिलहाल जगत गुरु परमहंसाचार्य को और उनके समर्थकों को पुलिस ने कस्टडी में लेकर पूरे घटनाक्रम पर विराम लगा दिया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट।